press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज तारीख है 2 अक्टूबर 2018 और आज तक जितने भी करंट जीके के प्रश्न बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए लेके आए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर जितने भी आपने एजुकेशनल ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं उस पर शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। हमारी एक वेबसाइट है www.sarkarirezultsre.co.in जिस पर जाकर आप ऑनलाइन करंट जीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न है, किस देश में भारतीय दूतावास में आयुष सूचना कक्ष स्थापित किया गया है? ऑप्शंस है अर्जेंटीना, चाइना, जापान या रोमानिया। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रोमानिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में NAFTA में सुधार के लिए US ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं चीन, जर्मनी, फ्रांस या कनाडा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में अमूल डेयरी के अत्याधुनिक चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या झारखंड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओटिस रश का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शंस हैं वीणा वादक, सितार वादक, गायक या गिटार वादक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गिटार वादक। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ गंगा अभियान का नेतृत्व कौन करेंगी? ऑप्शंस हैं साइना मिर्जा, बछेंद्री पाल, साइना नेहवाल या हिमा दास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, अकादमिक नेतृत्व का सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, INS के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शंस हैं रंगाचार्य श्रीधरन, सुष्मिता गर्ग, जयंत मेमम मैथ्यू, राधेश्याम अग्रवाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जयंत मेमम मैथ्यू। अगला प्रश्न है, व्यापार बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सलाहकार समूह की स्थापना किसने की है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, लघु उद्योग मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है वाणिज्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है रवि वेंकटेश, उदय अग्रवाल, राधेश्याम अग्रवाल या सविता कुलकर्णी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है रवि वेंकटेश। अगला प्रश्न है, RBI की रिपोर्ट के अनुसार किस तिमाही में देश का विदेशी कर्ज घटकर 514.4 अरब डॉलर हो गया है? ऑप्शंस हैं सितंबर तिमाही, मार्च तिमाही, जून तिमाही या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जून तिमाही। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 सितंबर।
अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय। और इस प्रश्न का सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में जीएसटी के तहत आपदा कर के लिए पैनल का गठन किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुण जेटली, सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सुशील मोदी। अगला प्रश्न है, नोबेल चिकित्सा पुरस्कार 2018 किसने जीता है? ऑप्शंस हैं जेम्स पी एलिसन, तसाकु होंजो, इनमें से कोई नहीं या दोनों। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में पहली व्यापक स्तर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली किसे प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, गोवा के किस देश के साथ जल और सीवेज प्रबंध के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, पुर्तगाल, श्रीलंका या जर्मनी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस है करूर वैश्य बैंक, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक। और इस प्रश्न का सही उत्तर है करूर वैश्य बैंक। अगला प्रश्न है, 25वें एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शन है अनस अली शाह, वीर चोटरानी, युवराज वाधवानी या इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है युवराज वाधवानी। अगला प्रश्न है, चुनाव निर्धारित होने से पहले ही किस राज्य में आचार संहिता लगाई गई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे जितने भी आपने एजुकेशनल ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं या बना रखे हैं उस पे आप इसे शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।